फरारी। ये एक बायोग्राफिकल स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है जो अब वीओडी पर हिंदी में रिलीज हो चुकी है और अब फाइनली मैं ये फिल्म देख चुका हूं और अब मैं आप लोगों से अपने इस क्विक रिव्यू के जरिए मेरा इस फिल्म को देखकर जो भी एक अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर रहा हूं। तो चलें बिना कोई टाइम वेस्ट करे बात कर लेते हैं कि मेरा इस फिल्म को देखकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो पहले तो मैं आप लोगों को इस फिल्म की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। आप इस फिल्म में देखेंगे कि 1957 का दौर है और एंजो फरारी जो एक फाउंडर है एक कार मैन्युफैक्चरर कंपनी फरारी के और अपनी लाइफ के मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं इटली में होने वाले एक बड़े कार रेसिंग इवेंट की। और इस इवेंट से पहले एंजो को अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में किस तरह की स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ रहा है वो सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस फिल्म को। अब बात करेंगे मेरा एक्सपीरियंस इस फिल्म को देखकर कैसा रहा। तो पहले तो मैं आप लोगों को यह बात बता दूं कि यह फिल्म एक स्लो बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है। जी हां, इस फिल्म में कहानी आपको एक स्लो पेस में आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। तो जिन लोगों को स्लो मूवीज देखना बोरिंग लगता है वो चाहें तो इस फिल्म को स्किप कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को स्लो पेसिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो उनके लिए ये फिल्म एक डिसेंट एक्सपीरियंस साबित होगी। इस फिल्म में आपको एंजो फरारी की पूरी लाइफ जर्नी तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन हां उनकी लाइफ के एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पर इस फिल्म में फोकस किया गया है। ये वो टाइम है जब उनकी कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी डोमेस्टिक लाइफ में भी काफी मसले चल रहे थे और अब ऐसे में एंजो इन सारी प्रॉब्लम्स को कैसे डील करते हैं और साथ ही साथ एक बड़े रेसिंग इवेंट की कैसे तैयारी करते हैं और क्या उस इवेंट में फरारी जीत भी पाएगी या नहीं, ये सब हमें इस फिल्म में दिखाया गया है। ओवरऑल फिल्म की कहानी बुरी नहीं है, आपको डिसेंटली एंगेज करके रखेगी, प्लस फिल्म में आपको कुछ बहुत अच्छे कार रेसिंग सीक्वेंसेस भी देखने को मिलेंगे जिनको बहुत अच्छे से पिक्चराइज किया गया है, देखने में मजा आता है। कार रेसिंग सीक्वेंसेस फिल्म के काफी रियल और बिलीवेबल लगते हैं। बाकी कैरेक्टर वर्क फिल्म का डिसेंट है, लेकिन आप इन कैरेक्टर्स में इमोशनली इन्वेस्ट नहीं हो पाएंगे, लेकिन जो एक्टर्स की परफॉर्मेंसेज हैं फिल्म में वो बहुत अच्छी हैं। फिल्म का म्यूजिक और ओवरऑल प्रोडक्शन वर्क भी अच्छा है। इन शॉर्ट, अगर आप लोगों को बायोग्राफिकल स्पोर्ट्स ड्रामा देखना पसंद आते हैं चाहे वो थोड़े स्लो पेस ही क्यों ना हो, तो फिर आप इस फिल्म को देखकर अपना एक काफी अच्छा टाइम पास कर सकते हैं। बस इसीलिए मैं इस फिल्म को रेट करूंगा 7/10। बस हाँ, ये फिल्म फैमिली के साथ देखने के लिए नहीं है, क्योंकि इस फिल्म में आपको कुछ किसिंग सीन्स देखने को मिलेंगे, एक छोटा सा सेक्स सीन भी आपको फिल्म में देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। शुक्रिया।